हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा, वो भी आसान तरीके से। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और खाने में भी टेस्टी होगा। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने ये ली है एक लौकी। इसको हम छील के कट कर लेंगे। सारी लौकी को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। वैसे हम नॉर्मली बनाते हैं लौकी का हलवा तो उसमें हम खोए का यूज करते हैं, इसमें हम खोए का यूज नहीं करेंगे और ना ही इसको कद्दूकस करेंगे। आज हम नई ट्रिक से बनाने वाले हैं लौकी का हलवा। मैंने ये लौकी को छील लिया है। अब हम इसके बीज निकालेंगे। बीज वाला पोर्शन हम निकाल लेंगे। जिसमें बीज होते हैं उसको हम अलग कर देंगे निकाल के, और जो फ्रेश फ्रेश लौकी है उसको हम पीस में निकाल के अलग से कट कर लेंगे। इस तरीके से ये मैंने बीज वाला पोर्शन निकाल दिया है। इसमें ज़्यादा बड़े बीज नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको हटा देंगे। अब हमें इसमें ये बीच बीच में जो दिख रही है लौकी के बीच, इसको भी हम चाकू की सहायता से निकाल के अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई भी बीज नहीं रखना है। अब हम इसको कट कर लेंगे छोटे पीस में। इसी तरह से हम पूरी लौकी को कट कर लेंगे। ये मैंने लौकी को छोटे छोटे पीस में काट लिया है। चलिए अब इसको हम एक कुकर में डालेंगे। मैंने लौकी को कट कर लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है 2-3 बार पानी से। इसके बाद अब हम लेंगे एक कुकर। ये खाली कुकर है, इसमें हम डालेंगे घी 2 चम्मच। इस घी को हम चारों तरफ फैला देंगे। अब इस कुकर में हम डालेंगे ये लौकी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। लौकी में पानी वैसे भी छूटता है जब पकती है। मैंने ये डाल दी कुकर में लौकी। अब इस कुकर में हम ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। मैंने कुकर को ग्रीस कर लिया है, लगभग 2 चम्मच घी डाल दिया है। ऐसे ही हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको 2 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। चलिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। कुकर को खोल के देखते हैं लौकी कैसी है। देखिए लौकी बहुत अच्छे से उबल गई है। इसको हम किसी चम्मच या चाकू की सहायता से इसमें ऐसे लगा के देखेंगे, चाकू या चम्मच, कि बहुत अच्छे से उबल गई है। अब हम इसको आलू मैसर की सहायता से फोड़ लेंगे। हल्का सा पानी है इसमें, जबकि मैंने इसको बॉईल किया था तो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था इसमें। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। लौकी को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। लौकी मैश हो गई अच्छे से। अब मैंने अगले स्टेप के लिए जो हलवा बनाएंगे उसमें डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 से 5 काजू लिए हैं, 4 बादाम हैं और 4 से 5 ये पिस्ता है, और 1 कटोरी नारियल पाउडर है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पर रख ली है कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने कुछ भी नहीं डाला है,
मैंने लौकी में पहले ही 2 चम्मच घी डाल दिया था जब मैंने लौकी को बॉईल किया था। अब ये सारी लौकी को हम इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और गैस को ऑन कर देंगे, गैस का फ्लेम हम फुल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी, 2 मिनट के लिए चलाएंगे। लौकी को 2 मिनट हो चुका है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। ये है मलाई, 2 लीटर दूध की फ्रेश मलाई है, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाएंगे, गैस के फ्लेम को फुल पे रखेंगे हम। इसमें हम कोई फूड कलर यूज नहीं करेंगे, जो लौकी का नेचुरल कलर है हम उसी के हिसाब से बना रहे हैं। लौकी अच्छे से पक गई थी और लौकी सॉफ्ट होनी चाहिए तो आपकी बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनेगी। जितनी लौकी सॉफ्ट होगी बर्फ़ी भी उतनी टेस्टी होगी। हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारा लौकी का हलवा बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल पाउडर। आप चाहे तो नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, मैं इसमें नारियल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। ये हमारा लौकी का हलवा बनकर तैयार है। खाने में बहुत मज़ेदार टेस्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।